हम आज श्री शंकर भगवान की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। एक बार देवता और दानों युद्ध किए भारी, देवताओं की सेना तब दानों से थी हारी। इंद्र देव का सिंहासन भी छीन लिए दानों, उनके डर से कांप उठा था धरती पर मानो। सारे देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, अपनी सारी लाचारी है सन्मुख उनके कहे। देवता बोले ब्रह्मा जी से रक्षा करो भगवन, दानो दल के अत्याचार से कांप रहा है मन। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं वो आगे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी तब विष्णु जी के पास ले जाते हैं, विष्णु जी तब देवताओं को उपाय बताते हैं। जाके सारे दानों को अब ये समझाना है, करके सागर मंथन सबको अमृत पाना है। दानों देव को मिलके सागर मंथन करना है, निकलेगा जो अमृत आधा आधा लेना है। ब्रह्मा जी बोले विष्णु से काम ये आप करो, दानों दल को इसके लिए अब जाके राज करो। अब विष्णु जी क्या करते हैं वो हम समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष्णु जी ने तब ये अपने मन में ठाना है, देवताओं को खोया हुआ अब राज दिलाना है। विष्णु जी तब दानों दल के बीच में जाते हैं, सागर मंथन की वो सारी बात बताते हैं। देवता दानों साथाओ सागर मंथन करो, अमृत जो निकले वो आधा आधा बांट के लो। अमृत के लालच में दानों आ ही जाते हैं, सागर मंथन के लिए राजी हो जाते हैं। अब आगे देखो शंकर जी क्या लीला रचाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देव तदानों मिलके सागर मंथन करने लगे, अमृत की लालच में बराबर मेहनत करने लगे। सागर मंथन में अमृत से पहले विष निकला, अमृत काफी नीचे था वो अभी नहीं पिघला। विष निकला तो तीनों लोक में हाहाकार मचा,
देवता दानों कोई उसे छूना तक ना चाहा। धीरे धीरे सागर का जल होने लगा काला, देवता दानों घबराए हैं क्या होने वाला। अब सबके मन में समा चुका वो डर बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मुसीबत को भला अब कौन अपनाए, आई मुसीबत तब सबको शंकर जी याद आए। नारद जी बोले शिव जी से देर न बुलाओ, सारी सृष्टि खतरे में है मेरे प्रभु आओ। नारद जी की बातें सुनकर शिव ने ठाना है, इस विष के प्रकोप से अब सृष्टि को बचाना है। इतना कहकर रुद्र रूप में आए डमरू वाले, सृष्टि पे उपकार किए सारा विष पी डाले। वो सारा विष थे कंठ मिलिए उतार बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। विष पीने से शिव जी अपना होश लगे खोने, जैसे जैसे विष का उन पे असर लगा होने। विष की अग्नि अब शिव जी का कंठ जलाती थी, धीरे धीरे उनके बदन को काला बनाती थी। लेकिन उस विष की अग्नि से शिव ना घबराए, एक जगाए कांत देख कर आसन अपना जमाए। विष के असर से शंकर जी का कंठ हुआ काला, शिव जी ने तब वट विच के नीचे डेरा डाला। है तभी से उनका नीलकंठ हुआ नाम बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। घबराए कैसे अग्नि होगी शांत, ब्रह्मा जी ने बतलाए। सारे देवता गंगा जी से जल भर के लाए, शंकर जी के ऊपर वो उस जल को बरसाए। जल की बूंदे तन पे पड़ी तब चैन है आया, विष की अग्नि से शिव जी ने राहत है पाया। जिस स्थान पे बैठे शिव जी वो भी हुआ पावन, नीलकंठ है नाम उसका बड़ा ही मन भावन। सब नीलकंठ पे उसी रोज से जल चढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जल पाते ही शिव जी खुश हो जाते हैं, इसीलिए सब भक्त इनको जल चढ़ाते हैं।
निश दिन गंगा जल जो शिव को चढ़ाते नर नारी, मनोकामना पूरी करते भोले भंडारी। सच्चे मन से शिव जी का जो ध्यान लगाते हैं, भोले बाबा उनके सारे कष्ट मिटाते हैं। भोलेनाथ की भक्ति में जो पास होता है, कभी ना अपने जीवन में वो उदास होता है। है वेद पुराणों में लिखी ये बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शंभू तो सबके पालनहारी है, इनके ही दम से चलती ये सृष्टि सारी है। अपने भक्तों का बाबा सब कष्ट मिटाते हैं, सुबह शाम जो भोले का गुणगान गाते हैं। सोमवार का दिन भोले का खास होता है, उस दिन ये अपने भक्तों के पास होते हैं। संतोष कहते हैं प्रभु की लीला न्यारी है, उनकी ही कृपा से चलती कलम हमारी है। ये कौशल पंडित भोलेनाथ की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, नीलकंठ श्री महादेव की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।